अगर आप अपने नेक पेन को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। एक्चुअली आपके नेक का दुखना बहुत कारण की वजह से हो सकता है। आप इनकरेक्टली सोते हैं, आपके लैपटॉप के ऊपर इनकरेक्टली बैठते हैं, आपकी चेयर की वजह से, या आप बहुत टाइम तक आप ड्राइव करते हैं, या आप पढ़ते वक्त आपकी नेक इनकरेक्टली पोजिशन रहती है, आपका चलने का तरीका या आपकी स्पाइन कुछ इस तरह से मुड़ गई है, फॉरवर्ड बेंड हो गई है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी स्पाइन पे कहीं पे भी नहीं है, वो आपके सीधे आपके गर्दन पे आ गए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या आपको इंक्लोसिस है, कई रीजन हो सकते हैं आपके नेक की तकलीफ की। पर मोर और लेस आप 80-90% अगर आप देखते हैं तो वो इनकरेक्ट पोजिशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपकी नेक गर्दन दुखने लगती है। स्पेसिफिकली आपके C1 से C7 तक के वर्टिब्रास आपके इनकरेक्टली अलाइन हो जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, आपको स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, आपको स्लिप डिस्क होता है, आपकी गद्दी थोड़ी कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसमें एक बहुत कारगर चीज जो हम अपने योगशाला में भी सिखाते हैं बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो ये है कि किस तरह से आप सेल्फ अपने आप को थोड़ा इसको कम कर सकते हैं, प्लस इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको बहुत एक सिंपल सी चीज चाहिए, वो है एक टॉवल आपको चाहिए इस तरह से। इसको आप अपनी गर्दन पर इस तरह से रखिए, टॉवल को एकदम फ्लोर से पैरेलल रखिएगा, ओके, फ्लोर से आप एकदम पैरेलल रखिए। इस टॉवल को आप हाथ से खींचे, इस टॉवल को आप हाथ से खींचेंगे सामने की ओर, पर अपने गले को या अपनी नेक को पीछे की ओर ढकेलेंगे, बट हाथ से अपने टॉवल को आगे की ओर इस तरह से, और फिर इस टॉवल को ऊपर लेके जाएंगे और अपने हाथ ऊपर की ओर खींचते रहेंगे और अपनी नेक को पीछे की ओर ढकेल देंगे। ये बहुत सहजता से कीजिए, ये करते वक्त आपको दर्द नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इतना ध्यान रखिए कभी आपने पीछे देखा तो शायद आपको चक्कर आ सकते हैं, तो धीरे धीरे करना है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप मत कीजिए, किसी के असिस्टेंस के साथ कीजिए, और फिर धीरे से पहले इस तरफ नीचे कीजिए, स्टेबलाइज हुई अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए, और फिर आराम से अपने नेक को आप नीचे कीजिए। इससे आपकी नेक का जो पेन है, कई बार क्या होता है कि आपकी जो वर्टिब्रास है वो एक दूसरे के ऊपर आके बैठ जाते हैं, आपका वो जो कर्व है वो बहुत सीधा हो जाता है, मतलब इस तरह से आपकी जो इस तरह की नेक है वो एकदम सीधे हो जाती है। वो सब चीजों से आप बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बटन है वहां पे, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। Thank you.